अबाउ प्रिंसिपल, हमने बोला कि सबसे पहले किसको फिलअप करते हैं, वन एस को, फिर देन थ्री डी को। ये किसने बताया कि ऐसे फिलअप करना है, 3s, 3p, 4s, 3d, ये किसने बताया और क्यों बताया कि ऐसे ही फिलअप करना है? आगे भी होगा 4s, 4p, 5s, ठीक है, 3d, 5s, 4p, 4d आएगा। इस सीक्वेंस में किसने बोला और क्यों बोला, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही फिलअप करना है, किसने बोला और क्यों बोला? तो ये सीक्वेंस को फिलअप करना है तो अबाउ ने बोला। अबाउ ने क्या बोला कि जिस ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है उसको हम पहले फिलअप करते हैं, लोअर एनर्जी सबसेल विल फिल फर्स्ट। अब बाऊ ने सबसे पहले ये बोला कि जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा उसको पहले फिलअप किया जाता है। ये मत सोचना कि सीक्वेंस में फिलअप किया जाता है, सीक्वेंस में फिलअप नहीं किया जाता है। सीक्वेंस में होता तो ये 3p के बाद 3d आना चाहिए था, 4s आ गया है, 4p के बाद 4d आना चाहिए था, 5s आ गया है, 4s आ गया है, 5s आ गया है, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो अब बाऊ ने सबसे पहले बोला कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरा जाएगा, तो उसको कैसे मालूम चला होगा कि इसका एनर्जी कम होगा? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट करके मालूम चला होगा कि इसका एनर्जी सबसे कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। यानी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आए कि 4s को पहले क्यों, 3d को बाद में क्यों, 4s को हम पहले फिलअप करते हैं 3d को बाद में, ऐसा क्यों, तो हमारे पास उसका जवाब होगा क्या कि 4s हैज लोअर एनर्जी देन 3d। ये हम जानते तो नहीं है लेकिन अबाऊ ने ऐसा बोला है कि 4s का पहले कम एनर्जी है इसलिए 3d से पहले भरा जाएगा। तो अबाऊ ने बोला कि जिसका एनर्जी कम होता है उसको हम पहले फिलअप करते हैं, लोअर एनर्जी सबसेल विल फिल फर्स्ट, ठीक है। तो ये बात उनको मालूम कैसे चला, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। लेकिन अगर हमें थ्योरेटिकल जानना है जैसे हम तो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं ना, हमें नोटबुक पर जानना है कि किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा है। और हमें यह भी नहीं मालूम है किसका सीक्वेंस क्या है, कोई ट्रिक भी कुछ भी याद नहीं है हमें। हमें बोल दिया गया कि 7s में और 6f में किसका ज्यादा होगा, ऐसे बोल दिया गया। बताओ अब मान लो हमें तो सीक्वेंस याद नहीं है कि हम इसमें कंपेयर करेंगे तो उसके लिए उन्होंने बोला एक थ्योरेटिकल रूल है हमारे पास, और ये जो थ्योरेटिकल रूल लिखा गया है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिखा गया। जैसे तुम समेशन लिखते हो, जर्नल लिखते हो, तो क्या लिखते हो, पहले सुन ऑब्जर्वेशन, फिर क्या लिखते हो, कंक्लूजन। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे के तब उन्होंने कंक्लूजन निकाल के तब एक थ्योरेटिकल रूल दिया, और उस रूल को हम बोलते हैं n+l रूल। यानी n+l रूल और कुछ नहीं है, किसको पहले भरा जाएगा और किसको बाद में भरा जाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं जान के हम क्या जान रहे हैं
थ्योरेटिकल तरीके से जान रहे हैं कि लो हमारे पास एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग चले जाओ। प्रिंसिपल अलग होता है और रूल अलग होता है। तो उन्होंने एन प्लस एल रूल दिया है, प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। उन्होंने बोला कि तुम्हें हर बार तो तुम एक्सपेरिमेंट करने जाओगे नहीं, तो ऐसा करते हैं जो चीज ऑब्जर्वेशन है उसको हम एक कंक्लूजन में बदलते हैं और कंक्लूजन पे एक रूल के रूल पे पहुंचते हैं और हम तुम्हें एक रूल दे रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें मालूम चल जाएगा कि किसको पहले भरना है और किसको बाद में भरना है। तो उस रूल को बोलते हैं एन प्लस एल रूल। तो समझ में आ गया एन प्लस एल रूल क्या होता है, क्या होता है एन प्लस रूल। हमें पता लगाना होता है कि किसको पहले, किसका एनर्जी ज्यादा होता है, किसका एनर्जी कम होता है। ये थ्योरेटिकल तरीके से पता लगाया जाता है। अब कैसे पता लगाया जाए, तो कैसे में पहला पॉइंट कि कैसे पता लगाया जाए। तो चलो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं से एग्जाम्पल उठाते हैं। हमारे को है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। हम पता लगाते हैं कि n प्लस एल रूल कैसे अप्लाई होता है। अब इस पे हम वैल्यू निकालेंगे n प्लस एल का। जो ये लिखा गया है वो n है, यानी ऑर्बिट नंबर 1 है और l। तो बताओ 1s में n प्लस एल कितना होगा, ये 1 होगा और l क्या होता है 0, s के लिए 0 लिखा जाता है। n प्लस एल का वैल्यू कितना आ गया 1। और अगर इसमें हम निकालें तो n, n कितना है इसका 2 और l कितना है, तो l का वैल्यू n प्लस l कितना आ गया 2 आ गया। तो उन्होंने पहला रूल दिया कि जिसका n प्लस l वैल्यू कम होगा, मैं ऐसे इंडिकेट करके लिख रहा हूं, कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कम होगा और उसको हम क्या करेंगे फिल फर्स्ट। उन्होंने बोला सिंपल सा तरीका से कि तुम कुछ मत करो, तुम n प्लस l निकालो, जिसका n प्लस l कम गिरेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा कम होगा, वो पहले भरा जाएगा। यहां देख के समझ में आ रहा है कि इसका n प्लस l कम है, इसका ज्यादा है, इसलिए पहले भरा जाएगा, ये बाद में भरा जाएगा। अब आगे ध्यान देना। अब हम जैसे 2p के पास पहुंचेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा 2 और p के लिए क्या होगा 1, क्या हो जाएगा ये 3। तो इसलिए 3p बाद में भरा जाता है। लेकिन जैसे हम 3s के पास पहुंचेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि यहां 3 है और यहां 0 है, दोनों वैल्यू क्या कर गया मैच कर गया। उन्होंने बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वैल्यू मैच कर गया तो, अगर मैच किया तो, इफ एन प्लस एल विल बी सेम, जब सेम आ जाएगा तो तुम्हारे पास रास्ता है कि तुम एन डिसाइड करो। एन तुम्हें बताएगा कि किसका एनर्जी कम होता है, किसका ज्यादा होता है। अगर जिसका मैच किया है उसका वैल्यू अगर एन कम है तो उसका एनर्जी कम होगा, और उसका एनर्जी कम होगा तो उसको हम दोनों में से पहले उसको भरेंगे फिल फर्स्ट। इसका मतलब इस दोनों का एन प्लस एल सेम गिर गया, इसको डिसीजन कौन लेगा एन। इसका एन कितना है और इसका एन कितना है 3। इसका मतलब ये एन जिसका कम होगा उसका एनर्जी लोअर होगा, और लोअर होगा तो उसको हम पहले फिलअप करेंगे। यानी इस दोनों में अगर मान लो सेम आ गया तो हमारा एन डिसाइड करेगा, और एन इसमें कम है तो एनर्जी कम होगा और उसको हम पहले फिलअप करेंगे। समझ में आ गया। आगे और देख लो, 3 + 1 = 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 3 + 1 = 4, 4 + 0, फिर यहां से प्रॉब्लम आ गया।
फोर प्लस वन क्या आ गया, जीरो, फोर आ गया। अब दोनों वैल्यू क्या आ गया, सेम, तो कौन डिसीजन लेगा, एन, इसका एन कम है इसलिए इसको पहले भरा जाएगा। थ्री डी में क्या आएगा, थ्री प्लस टू, एल के लिए टू होता है, कितना आ गया पांच, तो इसीलिए फोर एस को पहले और थ्री डी को, क्योंकि इसका एन प्लस एल चार आया और इसका एन प्लस एल पांच आया, समझ में आ गया, इसीलिए चार आया, मतलब इसका एनर्जी क्या है, कम है, इसीलिए इसको हम पहले फिलअप कर रहे हैं, इसको बाद में हम फिलअप कर रहे हैं। तो मुझे बता अबाव प्रिंसिपल क्या बताता है, व्हाट डज अबाव प्रिंसिपल टेल्स अबाउट, लोअर सबसेल विल फिल फर्स्ट, लिख लेना, बुक का स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है ना, वही बुक में लिखा हुआ सब चीजें। तो अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल लोअर एनर्जी सबसेल विल फिल फर्स्ट, ये किसका एनर्जी कम है ज्यादा, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने फाइंड आउट किया, 4s पहले भरा जाता है 3d बाद में, क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है 3d से। उन्होंने बोला कि तुम हर बार प्रैक्टिकली करने तो जाओगे नहीं, हम एक सारा चीजें ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरेटिकल चीजें दे रहे हैं, n प्लस l रूल। पूछा जाता है कि n प्लस l रूल किसका दिया हुआ है, n प्लस l रूल अबाव का दिया हुआ है। उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने बोला कि n प्लस l तुम जिसके लिए निकालना है दोनों का वैल्यू ऐड करो, जिसका एनर्जी कम आएगा उसको हम पहले भरेंगे। अगर मान लो n प्लस l सेम आ गया तो हम किस पे जाएंगे, n पे जाएंगे, और n जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम, और ऐसा नहीं होगा ना कि n n भी सेम आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि n भी सेम आ जाए, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है हॉर्न्स रूल, पहले पॉली है लेकिन हम पढ़ाएंगे हॉर्न्स रूल। नेक्स्ट लिखो हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हॉर्न्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, लिख लिए होंगे, हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखो हंट्स रूल क्या बोलता है, हंट्स रूल, हंट्स रूल क्या बोलता है, पहले ध्यान दो इधर, नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3, लास्ट वाला पर ध्यान दो 2p3, p में कितने बॉक्स, तीन ना, तीन ऑर्बिटल्स होता है, s में, p में, डी में पांच, एफ में अब तीन इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिलअप करेंगे, कर देंगे ना, है नहीं करेंगे, ऐसे 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 ऐसे
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यों? ये क्यों नहीं? ध्यान देना आप, ऐसा इसलिए क्योंकि हॉन्स ने बताया है, इसलिए ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनना, इसमें जो तीन ऑर्बिटल्स होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड, इन तीनों का एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। क्या बोलते हैं इसको? डीजनरेसी। मतलब इस तीनों का एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। अब घर में मान लो तीन भाई बहन हो और पापा ने तीन तीन मिठाई खरीद के लाए, तो एक एक ही को दो दोगे पूरा, फिर तो बाकी दो फाइटिंग होने लगेगा। और मान लो कि एक को दो दे दोगे, एक के एक दे दोगे, एक फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीनों को क्या देना पड़ेगा? एक एक एक। ऐसा क्यों? ताकि उनमें झगड़ा ना हो, ताकि उनमें स्टेबिलिटी बना रहे। तो इनका एनर्जी क्या है? इक्वल है। इनका एनर्जी भी आपस में इक्वल है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। इसको डी जनरेसी बोला जाता है। तो हंस ने बोला कि ये ऐसा फिलअप करना गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि जब तुम्हारे पास तीन इलेक्ट्रॉन है और तीनों का तुम एनर्जी इक्वल है, तो तीनों को तुम क्या करोगे? वन 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 डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इससे क्या आएगा? ऐसा करने से स्टेबिलिटी आएगा। ऐसा करने से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा क्योंकि इक्वल एनर्जी है। तो ये हंस ने बोला कि पहले आप इलेक्ट्रॉन्स, यानी हंस ने क्या बताया हमें? हाउ टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन। अब भाव ने क्या बताया? किसको पहले भरा जाए किसको, और हंस ने क्या बताया? कैसे बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाए। अब मान लो दूसरा एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन 1H2 2H2 और 2P4 है, यहां ध्यान देना। तो पहले क्या फिलअप करेंगे? 1, 2, 3। अब क्या होगा? फोर्थ वन ये। अब इसको हम ऐसा क्यों भर दिए, ये हंस नहीं बता रहा है, लेकिन फोर्थ वन हंस ने बोला कि पहले वन 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 तीनों को दो, फिर चौथा देना है तो इसको दो, पांचवा देना है तो इसको दो, सिक्स वन देना है तो इसको दो। यानी पहले हाफ फीड बनाओ, फिर फुल फीड करो उसको अगर है तो। ऐसे करने से स्टेबिलिटी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हंस हंस रूल हम क्या सीखते हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर यानी बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा जाए, हाउ टू फिल अप इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स ऑर्बिटल्स। लिख लो, अकॉर्डिंग टू हंस रूल इट इन्फॉर्म हाउ टू फिल अप इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स। हाउ टू फिल अप इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। हाउ टू फिल अप इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल्स। कैसे भरा जाए? कैसे भरा जाए? फर्स्ट वी मेक इट हाफ फील्ड, राइट डाउन, फर्स्ट वी मेक इट हाफ फील्ड, अगर है तो फर्स्ट वी मेक इट हाफ फील्ड।
फर्स्ट वी मेक इट हाफ फील्ड देन इट विल बी फुलफिल्ड. फर्स्ट वी मेक हाफ फील्ड देन वी मेक फुलफिल्ड. According to Hund's rule, it tells that how to fill electron in orbitals. According to Hund's rule, तो पहले half field बनाओ, उसके बाद full field बनाओ. ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, आगे लिख लेना. ड्यू टू डैट इट विल बी मोर स्टेबल. Due to that, it will be more stable. अब आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? कैसे? आगे इसके बाद पॉली पढ़ाएंगे, तब तुम्हें कंफ्यूजन में आएगा. कैसे कंफ्यूजन होता है? ओके, थैंक्स टू ऑल.